क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता है बाजार रेंज बाउंड रहने वाला है, ऊपर आप निफ्टी को सेल भी कर सकते हैं। सेलिंग की रेंज जो निकल के आती है वो 17650 से लेके 17680 की निकल के आती है। ये 30 पॉइंट की पूरी सेल रेंज है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित, आप हैं आउटसाइड द लाल स्ट्रीट। आज के मार्केट एनालिसिस से पहले कुछ बड़ी खबरें जो कि कल आपके काम आएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे आज आईटी सेक्टर के एक शेयर में जिसने दबाकर रिटर्न आज के दिन दिए हैं। कौन सा शेयर? मिड कैप आईटी से मैस कैप की बात कर रहा हूँ। बेहतरीन आज मूवमेंट देखने को मिला है। आईटी सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इस शेयर ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है इसके अच्छे रिजल्ट्स की वजह से। गहराइयों में जाओगे कि रिजल्ट क्यों अच्छा आया है तो आपको देखने को मिलेगा कि इस कंपनी के मैनेजमेंट ने जो इनका एक्सपोजर है, देखो बाकी आईटी कंपनी में दिक्कत क्या है कि यूएस से जो रेवेन्यू है वो कम आ रहा है, उसके अलावा जो बैंकिंग सेक्टर है बीएफएसआई जिसे कहते हैं, वहां से भी रेवेन्यू में वो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन मैस्टेक के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए इसने शानदार प्रदर्शन दिया है। मैंने छोटी समरी में आपको बता दिया। दूसरी बात है, ट्रेडर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट को इन्फ्लुएंस करने वाले मार्केट लीडर्स के रिजल्ट आने वाले हैं। आज के दिन 20 अप्रैल को आप जानते हो HCL टेक का रिजल्ट है, मैंने इसकी चर्चा कल भी की थी, लेकिन उससे बड़ा रिजल्ट कल के दिन 21 तारीख को रिलायंस का रिजल्ट आएगा और 22 तारीख को ICICI बैंक के रिजल्ट आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है मार्केट के लिए इन दोनों ही मार्केट लीडर्स के रिजल्ट। फाइनली अगर आज आप ट्रेड कर रहे थे, आज एक्सपायरी थी, बिल्कुल फ्लैट हुई है, लेकिन डाउ फ्यूचर में आज गिरावट हुई थी, उसके बाद भी हमारे बाजार टिके रहे, ये एक पॉजिटिव संकेत है। इसको हम चर्चा करते हैं मार्केट एनालिसिस में। आइए चलते हैं, आइए मार्केट एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम पर खुला हुआ है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आज थी एक्सपायरी, बिल्कुल फ्लैट हुई है, लेकिन बुल्स के लिए यहाँ पे एक अच्छे संकेत है। आप जानते हो आज के दिन डाउ फ्यूचर एक समय पे 150 से लगभग 180 पॉइंट डाउन चल रहे थे। डाउ फ्यूचर में गिरावट के बाद भी आज एक्सपायरी के दिन भारतीय स्टॉक मार्केट ने अपने बहुत ही क्रिटिकल लेवल 17600 को डिफेंड किया है। इसको आपको पॉजिटिव लेना होगा, ये दर्शा रहा है कि बुल्स में थोड़ी मजबूती थी कि उन्होंने फर्दर गिरने नहीं दिया। अगर आप 17600 को आज के दिन ब्रेक कर देते तो आप 17500 की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकते थे और एक्सपायरी के दिन इस टाइप के मूव आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको हम पॉजिटिव संकेत लेंगे, इसको हम मार्केट स्ट्रेटजी बनाते समय भी इनकॉर्पोरेट करेंगे इस इंफॉर्मेशन का। उसके अलावा आज के दिन अगर आप कैंडल को देखोगे तो एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ, एक परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट डोजी आपके सामने बनी हुई है। दूसरी बात है, इसके वॉल्यूम पे नजर डालिए, कितने कम वॉल्यूम थे। वॉल्यूम लगातार निफ्टी में कम होते जा रहे हैं, इसीलिए आपको प्राइस सेक्शन भी बहुत छोटा दिख रहा है, वॉल्यूम भी कम है। लेकिन अगर आप इस पे गौर करोगे, इस कैंडल ने आज 100 पॉइंट की रेंज अगेन पूरा दिन बिता दिया और वही क्रिटिकल लेवल्स को आज डिफेंड किया है। कौन से क्रिटिकल लेवल? सर, ऊपर के साइड जो रेजिस्टेंस है वो 17700 का था और नीचे साइड जो सपोर्ट था, पहला सपोर्ट था, सबसे मजबूत नहीं लेकिन पहला सपोर्ट, वो 17600 का था, तो बहुत ही मजबूत, लेकिन 17500 इससे भी ज्यादा मजबूत था, वहां तक तो पहुंचा ही नहीं। अब मैं आपको 17600 का कुछ इंपॉर्टेंस बताने वाला हूं और ध्यान रखिए, हम लोग एंटर कर रहे हैं मंथली एक्सपायरी में और मंथली एक्सपायरी में बड़े वॉलेटाइल मूव आते हैं और इस बार भी आएंगे। क्यों बोल रहा हूं, इसकी भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ 17600 17500 का इम्पोर्टेंस, कल भी बताया था, आज उसका इम्पोर्टेंस और बढ़ गया आज प्राइस एक्शन में आपने देखा। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज के इंडिकेटर को ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ब्लैक लाइन है, 17600 आप देख सकते हो पिछले लगभग 4 दिन से डिफेंड कर रहा है, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है, ये इंपॉर्टेंस है 17600 की। ये कहाँ से आ रही है, ये ब्लैक लाइन देखोगे ना, ये 200 डे मूविंग एवरेज है और 200 डे मूविंग एवरेज आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार 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 निफ्टी उसको डिफेंड कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपके लिए अगले पूरे हफ्ते के लिए। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे दूसरी, उसके नीचे ही एक ये ब्लू कलर की लाइन है, ये 50 डे मूविंग एवरेज है
और ये एग्जिस्ट करती है जस्ट 100 पॉइंट नीचे लगभग 17,500 पे। तो ये जो 100 पॉइंट की पूरी रेंज है ना 17,500 से 17,600 की, ये ब्रॉडर रेंज का सपोर्ट है ये 100 पॉइंट, इसीलिए निफ्टी को ब्रेक करना आसान नहीं हो रहा है। आपने 17,800 को आराम से ब्रेक कर दिया, 17,700 को ब्रेक कर दिया, लेकिन 17,600 से 17,500 बहुत मजबूत सपोर्ट है निफ्टी के लिए। ये 17,500 ब्रेक कर जाएगा तो आप नई गिरावट शुरुआत कर दोगे, जब तक इसके ऊपर हो तब तक चिंता नहीं करनी है। दूसरी बात एक और चर्चा कर रहा था, इसकी मजबूती का एक और कारण है, यहां तो आपने देखा ना यार मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है। अगर आप प्राइस एक्शन में चैनल का सपोर्ट भी देखोगे, मैंने आपके लिए दो चैनल बना के रखे हैं, कल भी एक्सप्लेन किया था आज भी एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि ये नेक्स्ट हफ्ते मंथली एक्सपायरी में भी काम आएगा। यहां पे देखोगे सबसे पहले ब्लू चैनल, जब निफ्टी ने 18,800 का लाइफ टाइम हाई बनाया था वहां से लगातार लोअर हाई लोअर लो बना रहा था, वो चैनल है। इस चैनल की सपोर्ट एग्जिस्ट करती है लगभग 17,600 पे। मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूं कितना बेहतरीन विक रिजेक्शन दे रहा है बार बार इस ही सपोर्ट से, ये ब्लू लाइन से आप यहां पे देख सकते हो। दूसरा है ये पर्पल चैनल का भी सपोर्ट लगभग 17,500 पे आता है, अगेन प्राइस एक्शन में भी चैनल के सपोर्ट 17,600-17,500, इसलिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है इस पूरी मंथली एक्सपायरी के लिए भी। इसके अलावा आज क्योंकि आपकी एक्सपायरी थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप देख सकते हो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप यहाँ पे 15 मिनट में देखोगे, हम लोग ने जो कल टारगेट लेवल्स दिए थे ना कि कैसे ट्रेड करना है, अगर आज आप देखोगे एग्जैक्टली वही चीज आपको देखने को मिल रही है। हम लोग ने बोला था कि 17,650 से 17,680 यहां पे आता है तो निफ्टी आपको बेचना है, 17,725 के एसएल दिए थे, 17,600 तक के टारगेट थे। एग्जैक्टली आज सुबह आपको इसकी टॉप देखिए 17,684 के 4 पॉइंट ऊपर, बिल्कुल वहीं से घूम गया, एक आपकी ग्रेव स्टोन डोजी बनाई, फिर बेरिश मारुबोजो बनाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं इंट्राडे में, और बिल्कुल अपने 17,600 के टारगेट को आराम से अचीव कर लिया। लेकिन फिर 17,600 ने अपना जलवा दिखाया और यहां से आपको एक जिसको आप कहते हो डब्ल्यू पैटर्न, जिसको मैं कई बार कहता हूं डबल बॉटम फॉर्मेशन, ये आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहां पे बनते हुए दिख रहा है, जहां से दो बार सपोर्ट लिया है 17,600 से आज इंट्राडे में ही। तो अगेन शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो मजबूती 17,600-17,500 सपोर्ट की है। मैं जानता हूं आज एक्सपायरी हो गई है, ज्यादा डेटा नहीं होगा, लेकिन लकली जब आप मंथली एक्सपायरी में एंटर करते हो ना, वहां पे पहले से कई सारा डेटा बैठा होता है, तो आज ऑप्शन चेन में स्पेशली निफ्टी की ऑप्शन चेन में आपको कुछ डेटा जरूर देखने को मिल जाएगा। तो आइए उसको चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 27 अप्रैल पहले से ही लगा लिया, मंथली एक्सपायरी का डेटा देख रहा हूँ। सबसे पहले जब मंथली एक्सपायरी का डेटा मैं देखूंगा तो मुझे देखना है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स बैठे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपके सामने बैंक निफ्टी खुला हुआ है, सॉरी मैं पहले निफ्टी कर देता हूं। यहां पे अगर आप निफ्टी पे नजर डालोगे और सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो वो 17,700 पे तेजी के कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप देखोगे तो 77 लाख कॉन्ट्रैक्ट तेजी के बैठे हैं 17,700 पे, और आज के दिन सबसे ज्यादा जोड़े हैं 41 लाख। यानी मंथली एक्सपायरी में कहीं ना कहीं ट्रेडर सोच रहे हैं कि थोड़ा ऊपर एक बार बाउंस बैक शायद आ सकता है। इसमें से कई सारी पुरानी पोजीशन है लेकिन नई भी जुड़ी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। नीचे अगेन ऑप्शन चेन आपको कह रही है कि 17,500-17,600 पे अच्छा खासा 50-50 लाख से ज्यादा का सपोर्ट बैठा हुआ है, और जैसे जैसे कल आकर दिन आगे बढ़ेगा ये सपोर्ट काफी ज्यादा मजबूत और हो जाएंगे। मंदी की बात कहां पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, और यहां पे बिल्कुल क्लैरिटी है 17,700 पे। 17,700 पे देखोगे तो 1 करोड़ से ज्यादा मंदी के कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं अभी से ही, और आज 52 लाख कॉन्ट्रैक्ट जोड़े हैं, पूरी ऑप्शन चेन में हाईएस्ट है। तो 17,700 तो एक बार में निकालना हो सकता हूं मुश्किल हो, ये अगर निकलेगा भी तो मंथली एक्सपायरी के काफी करीब निकलेगा, ये आपको देखना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 17,700 का, लेकिन बायस सरप्राइजिंगली थोड़ा सा बुलिश साइड पे है, थोड़ा बुलिश साइड पे है, ये आपको नोट करना है। उसके अलावा मैं आपके लिए पुट कॉल रेशियो यहीं पे बता देता हूं सर, पुट कॉल रेशियो में कोई भी चिंता नहीं है। आप देख रहे हो मार्केट पूरा कंसोलिडेट कर रहा है, तो कहां से पुट कॉल रेशियो ऊपर बढ़ के आएगा, 0.87 बिल्कुल हल्का है, नई एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी में चाह रहे हो हल्का है पॉजिटिव। उसके अलावा निफ्टी में 50 कंपनी है, उसके
अलावा एनएसई में 1850 कंपनियां, वहां पे देखोगे तो आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये बताता है कि यार निफ्टी में 50 कंपनी के अलावा क्या हो रहा है। वहां पे देखोगे तो बिल्कुल बैलेंस एक्शन था, वन का था, एक शेयर जो बढ़ रहा था उसके सामने एक शेयर गिर रहा था। तो कहीं भी ऐसी बहुत बड़ी कोई भी कमजोरी का संकेत आपको ना ही निफ्टी में ना ही ब्रॉडर मार्केट में। सेम चीज अगर आप निफ्टी में भी देखोगे तो आज 27 कंपनियां ऊपर थी और सिर्फ 23 कंपनियां नीचे थी। तो अगेन बहुत ही न्यूट्रल एक्शन था। अब मैंने आपको आज के दिन एक बात बोली है कि मंथली एक्सपायरी में बड़े मूव आते हैं और इसमें भी आएंगे। कैसे बोला है, कैसे मैं कह सकता हूं ये बात, अगर आप यहाँ पे इंडिया विक्स यानी वॉलिटिलिटी इंडेक्स, ये बताता है कि कितने वॉयलेंट कितने बड़े मूव आ सकते हैं। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा जज करोगे ना, आप देखोगे ये अपने इतिहासिक लोअर लेवल्स पे पहुंच चुका है, ये बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। मतलब मंथली एक्सपायरी में आप 12 के नीचे इंडिया विक्स को देख रहे हो। ऐसा नहीं कहता हूं कि ये बहुत बड़ा बहुत तेजी से बढ़ के 15 16 20 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन 12 बहुत कम है। कम से कम ये 13.4 13.6 की तरफ आगे बढ़ेगा, ये स्पेशली मंथली एक्सपायरी में। ये आपको ध्यान रखना है, कुछ वॉलेटाइल मूव्स आ सकते हैं, आपको रेंज को ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले से सावधान कर देता हूँ, है ना, पहले से बता रहा हूँ, तभी तो आप प्रिपेयर रहोगे। आइए बैंक निफ्टी पे चलते हैं और फिर आपके लिए सीधे स्ट्रेटजी बताते हैं। यहां से हम लोग बैंक निफ्टी पे आ चुके हैं। बैंक निफ्टी की कैंडल पे नजर डालोगे तो आज एकदम निफ्टी जैसे ही एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन फिर भी निफ्टी में तो वॉल्यूम नहीं थे, बैंक निफ्टी में फिर भी आपको ठीक ठाक वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इस डोजी ने कहां से रेजिस्टेंस लिया है, जो कल मैंने ऑप्शन चेन में लेवल बोला था ना, 42,400 42,500 पे आएगा तो शॉर्ट कर देना, एसएलबी दिया था 42,600 का, पहले ही रेजिस्टेंस है 42,400 से ये घूम गया। आज का हाई देखोगे तो ऑलमोस्ट 42,400 का ही है, वहीं से गिर गया। 42,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे आएगा तो अपने प्रॉफिट को लॉक जरूर कर लेना। आज देखोगे कहां से घूम गया, 42,100 से 100 पॉइंट ऊपर से। यानी बैंक निफ्टी भी एक्सपायरी के दिन इतनी छोटी रेंज में आज पूरे दिन ट्रेड किया है। बाकी कोई भी चिंता नहीं, अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एग्जैक्टली जो चीज निफ्टी में मैंने बोली है वो बैंक निफ्टी में भी हो रहा है। एक तरह से आप डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन देख रहे हो। इसके ऊपर के साइड जो रेजिस्टेंस है वो 42,500 है और नीचे के साइड सपोर्ट 42,000 पे, बहुत मजबूत सपोर्ट है। क्या बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में कुछ ज्यादा डेटा है, बिल्कुल भी नहीं। बैंक निफ्टी के केस में मत निकालो, एक दिन रुक जाओ, डेटा डेवलप हो जाएगा, फिर बैंक निफ्टी की चर्चा करेंगे। लेकिन पुट कॉल रेशियो की तो चर्चा कर सकते हैं ना सर। पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी में बिल्कुल न्यूट्रल है, 0.93 है। उसके अलावा आज बैंक निफ्टी में 10 शेयर ऊपर थे और सिर्फ 2 शेयर नीचे थे। यानी अगर आप बैंक निफ्टी की मजबूती देखोगे, बैंक निफ्टी अभी भी निफ्टी से ज्यादा मजबूत है। सिंपल चीज है, ये डेटा बता रहा है, ये हम लोग खुद भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। आइए अब सीधे चलते हैं स्ट्रेटजी पे कि करना क्या। सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में ही क्लियर कर दूं, आज का एक्शन देखने के बाद भी मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटजी हमें यूज करनी चाहिए वो बाय ऑन डिप्स की है, यानी नीचे आने पर खरीदना चाहिए। दूसरी बात है, डिप मिलने की संभावना है। आज के दिन आपने देखा ना डाउ फ्यूचर खराब था, अगर आज रात की ट्रेडिंग डाओ में यूएस में खराब हो जाती है तो आपको कल एक डिप जरूर मिल जाएंगे। वहां पे कुछ क्रिटिकल लेवल पे आ जाओगे आप निफ्टी बैंक निफ्टी में, आपको उसका फायदा उठाना है और हो सकता है शॉर्टर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करनी पड़ेगी, पैसे बनेंगे आपके, जैसे आज बने थे, आज भी हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किया था। अगर हम लोग निफ्टी की बात करते हैं कहां से खरीदोगे, देखो मैं आपको परफेक्ट लेवल पहले बताता हूं। निफ्टी के केस में अगर ये 17,550 से लेके सर 17,500 की रेंज में आपको मिल जाता है निफ्टी, तो आपको खरीदना है। यहां पे आपको स्ट्रिक्ट एसएल का यूज करना है, 17,470 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज करना है। उसके अलावा एक चीज ऐड कर लूं, आप जितना 17,500 के आसपास से खरीदोगे उतने सुखी रहोगे, उतना बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। बट अगर कोई इसके पहले से भी खरीदना चाहता है कोई समस्या नहीं है। अगर आप मल्टीपल लॉट खरीदते हो और डाउ फ्यूचर को देख के ट्रेड करते हो स्क्रीन पे बैठ के सामने,
तो कल अगर डाउ फ्यूचर आपका समर्थन करता है, आप 17600 के ऊपर थोड़ा सा टिके रहते हो 625 की तरफ, आप 17600 से भी खरीद सकते हो। ये मैं कहूंगा ये थोड़े अग्रेसिव ट्रेडर के लिए, ऐसा नहीं है कि बहुत अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, थोड़े अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए जो कि मल्टीपल लॉट से ट्रेडिंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप 17600 से भी एंट्री करना चाहो। लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि आपको थोड़ा सा माहौल देखना पड़ेगा इंट्राडे में, यहां पे आता है तो आपको खरीदना है, यहां पे स्टॉप लॉस बिल्कुल ही क्लियर है, ठीक है। अगर यहां से आप करते हो तो कहां के टारगेट बनेंगे, देखो सबसे पहला टारगेट आपको 17650 से लेके 17680 तक के टारगेट बैंक निफ्टी के केस में आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी 17680 तक ही टारगेट बना रहे, यहां के आसपास आता है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि एक बार में आपका 17700 ब्रेक कर जाएगा, वो कंफर्मेशन आपको मिलेगी अगर 17725 के ऊपर टिक जाता है, वो सब चीजें बात की देखने की। अभी यहां तक के टारगेट बनाओ, कैरी करना चाहते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हुए आप कैरी कर सकते हो आगे के लिए भी। लेकिन ये बड़े मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा कि फ्राइडे या मंडे को आएगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये सारे बड़े मूव आपके एक्सपायरी के मंडे के थोड़े बाद से आएंगे, जैसे आप मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ते हो, ठीक है। बैंक निफ्टी के केस में देखो यार, बैंक निफ्टी के केस में मैं आपसे कहूंगा एक दिन वेट एंड वॉच करो। बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत है निफ्टी से, अगर आपकी तेजी की पोजीशन है बैंक निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे हेज के साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। क्योंकि बैंक निफ्टी में जो परफेक्ट लेवल निकल के आता है ना खरीदने का, वो 41,800 से लेके 41,600 के रेंज का है। अग्रेसिव ट्रेडर्स 42,000 से भी खरीद सकते हैं, लेकिन बेस्ट रेंज यही निकल के आती है। इसकी स्टॉप लॉस भी 41,500 के आसपास बहुत ही क्लियर निकल के आती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता यार ये लेवल बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल आएगा कि नहीं आएगा, डिप के बाद भी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं कहूंगा बैंक निफ्टी में मैं एक दिन जरूर वेट एंड वॉच करना चाहता हूं कि किस टाइप के डेटा डेवलप हो रहे हैं, और उसके बाद अगर नई पोजिशन बनानी होगी तो बनाएंगे। अगर आप तेजी की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो कोई भी समस्या नहीं है, निफ्टी के केस में ये लेवल बिल्कुल ही क्लियर निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा एंड स्क्रीन पे मैं आपके लिए एक गैप को कैसे ट्रेड करते हैं उसकी वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कई बार कोर्स में भी नहीं मिलती है, बहुत कम लोगों ने देखा है, बहुत बेहतरीन वीडियो है। मैं आपसे सच में यार दिल से प्रमोट कर रहा हूँ इस वीडियो को, आप इसको देखो, आपको पसंद आती है नहीं भी पसंद आती है या आप कुछ और ऐड करना चाहते हो आप वहां पे कमेंट कर देना, मैं उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहूंगा, उसको आप जरूर देखिए, ठीक है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करेगा, बटन नीचे है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई विल सी यू अगेन, और लाइक करते जाइएगा, 200 का टारगेट रखते हैं लाइक का।